हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2022 पाई किछ मोस्ट इंपोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन उपरे सीडीपी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा क्लास नंबर 6। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 20 सीडीपी क्वेश्चन। तो आपण मन आउट ऑफ 20 केते स्कोर करछंती कमेंट बॉक्स रे निहाति भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड, जो माने आम चैनल रे प्रथम करि आसुछंती, नुवा आछंती, निहाति भाबे चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं ऑल बेल आइकन को क्लिक कर देबे, जाद्वारा आप मानको समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन आप मानको मिली पारिबो। वीडियो जदि भल लागछि ताले निहत पे गोटा बडे लाइक करिवे एवं संग मानको शेयर करबाकु भूलिबे नाही। तो देखंतु एथरे 20 क्वेश्चन रहिछि, 20 रु केते रखुछन्थि कमेंट बॉक्स रे निहत जणाइबे। प्रथम क्वेश्चन रहिछि ता लर्न, प्रथम क्वेश्चन रहिछि ता मेंटल एज ऑफ ए 10 इयर्स ओल्ड लर्नर इज 10 इयर्स, टू व्हाट क्लास द लर्नर बिलोंग्स। माने जणे 10 वर्ष शिक्षार्थीर मानसिक वयस 10 वर्ष, से केउ श्रेणीर शिक्षार्थी। चारिटा ऑप्शन रहिछि, स्वल्प बुद्धि, साधारण बुद्धि, उच्च बुद्धि, अति निम्न बुद्धि। इंग्लिश रे मध्ये रहिछि, इंग्लिश टर्म रहिछि। तो एडे कोन कहछ दा मेंटल एज ऑफ 10 इयर्स ओल्ड लर्नर इज 10 इयर्स, तो एटा कोउथरे जाउछि से पचारिछि। देखंतु एडे हमरो लेस देन इंटेलिजेंस अछि, एवरेज अछि, हाई अछि आ वेरी लो अछि। तो देखंतु हमरो जदि तार मानसिक वयस एम ए होछि 10, सी ए क्रोनोलॉजिकल एज बा प्रकृत वयस होछि 10, ताहले तार आईक्यू बाहर करिबा। तो मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो 10 रु 10 कटिला आउ रहा 100। 100 आमर आईक्यूटा कोई कैटेगोरी रे जीवो, तो कोई कैटेगोरी जाउछि ना एवरेज इंटेलिजेंस रे जाउछि। काहेकि ना एवरेज इंटेलिजेंस रो आईक्यू होउछि 90 रु 110 भितरे। जहार आईक्यू 90 रु 110 भितरे अछि ताकु एवरेज इंटेलिजेंस रे रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर, एवरेज इंटेलिजेंस, कहीं तर आईक्यू 100 आसला। नेक्स्ट देखंतु, आदिवासी पिला मानंकर भाषागत समस्या दूर करिबा पाई शिक्षादान समय रे शिक्षक केउ भाषा व्यवहार करिबा उचित। व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग द शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स सो एज टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम। चारिटा ऑप्शन रहिछि, पीपल स्पोकन लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बुक लैंग्वेज, बोथ बुक एंड पीपल लैंग्वेज। तो जड़े आदिवासी पिलार भाषागत समस्या दूर करने जड़े शिक्षक कौन कर ना से को भाषा कौच से ही भाषा रे भाषा सहित एवं बुक रो भाषा सहित दुईटा भाषा सहित जी से पढ़ेब ताहले तार लैंग्वेज प्रॉब्लमटा दूर हो। कहीं से हटात से बुक भाषा कही पार, तो सी कौ भाषा कौच से ही भाषा रे बुक भाषा को कौन कहुच्छे, से जिन कौन कहुच्छे, ए जिन कौन कहुच्छे, तार आदिवासी भाषा ताक बुझेले से भल से बुझी पार। तो बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही, अकॉर्डिंग टू टर्मान व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन मानकर आईक्यू केते, मेधावी छात्र मानकर आईक्यू केते टर्मान को मतरे। तो देखंतु रही 100 रही 100 to 120, 120 to 140, मोर देन 140। तो अकॉर्डिंग टू टर्मान व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन मानकर आईक्यू होची मोर देन 140, 140 रु अधिक रोचे आईक्यू रोचे गिफ्टेड चिल्ड्रन मानकर। नेक्स्ट रही आपाई, व्हेन वाज द कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवालुएसन एज स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवालुएसन इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई। तो आमर सीसी जो रही कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवालुएसन एटा को सर्वप्रथमे सीबीएसई इंट्रोड्यूस करथिला, तो कौ वर्ष से इंट्रोड्यूस करथिला आमर विद्यालय रे सीसी को इंट्रोड्यूस करछि किए ना सीबीएसई इंट्रोड्यूस करछि, तो कौ वर्ष इंट्रोड्यूस करछि से पचारछि, 2004, 2005, 2007, 2009। तो देखंतु CCE कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवालुएसन को स्कूल मानक सीबीएसई द्वारा इंट्रोड्यूस होती केवे 2009 रे, 2009 मसीह रे यूज करा जाय छी बा इंट्रोड्यूस करा जाय छी। नेक्स्ट रही, व्हिच वन इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एमानक मध्यरु कोउटा गोटाए बाह्य अभिप्रेरणा अटे, पनिशमेंट, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट, सेल्फ एस्टीम, दंड, आत्मसंतोष, आग्रह, आत्मसम्मान। तो कोउटा गोटे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा। देखंतु आमर सेल्फ सैटिस्फैक्शन
आत्मसंतोष यहाँ आमर कौन ना यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे जाऊँ इंटरेस्ट इच्छाटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे जाऊँ सेल्फ एस्टीम जाऊँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे जाऊँ किंतु पनिशमेंट दंड गोटे बाह्य अभिप्रेरणा अटे तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच ट्रेट इज फाउंड इन ए प्रॉब्लम चाइल्ड तो कौन कही आम समस्या युक्त शिक्षार्थी मानक क्यों गुण देखा जाए प्रॉब्लम चाइल्ड पाखे कौ गुणटा देखा जाए से पचार चारिटा ऑप्शन रही लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी माने पाठ पढ़ा तार आग्रह न थाए मेंटली अनस्टेबल माने से केवे मानसिक अस्थिरता रोचे केवल तार माइंड स्थिर रहुनी तापर आमर लैक ऑफ एडजस्टमेंट माने से सम योजनार अभाव माने से केवे एडजस्टमेंट करिया पई चाहे नै आउ लास्ट ऑप्शन रही ऑल ऑफ द अबव तो देखु प्रॉब्लम चाइल्ड जो मैंने समस्या युक्त शिक्षार्थी से केबे भी पाठ प्रति आग्रह देखा ना यहाँ ठीक अच्छे मेंटली अनस्टेबल रोच मन तार सब अस्थिर थापर लैक ऑफ एडजस्टमेंट से कौन सी पाठपढ़ा सहित एडजस्टमेंट करके चलवाक चाहबन तो ये तीन टा जाक तार अभाव रोचे तीन टा जाक तार ट्रेट अच्छे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट रही व्हिच इज नॉट ए नेचर ऑफ लर्निंग तो लर्निंग रो कोटा नेचर नुहे शिक्षण रो कोटा प्रकृति नुहे परपोज लिमिटेड एज एक्टिव ना यूनिवर्सल तो देखु लर्निंग रो नेचर हूँ कोटा नुहे से पचार आमर करेक्ट आंसर हो कौन ना लिमिटेड एज तो आमर शिक्षण पाई बयस सेमिति किछि सीमित नुह शिक्षण आमर मृत्यु पर्यंत आम शिखिपर तो लिमिटेड एज नॉट ए नेचर ऑफ लर्निंग लर्निंग हूँ मृत्यु पर्यंत से यहाँ बयस सीमित केवे भी हेनी तो यहाँ आम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी आफ्टर कंडक्टिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट विथ बेबी डॉल इज तो कौ साइकोलॉजिस्ट बेबी डॉल उपरे एक्सपेरिमेंट करी से तांकर थ्योरी बाहर करथले बहुत बार से आमर बेबी डॉल उपरे एक्सपेरिमेंट करी तांकर थ्योरी एक्सप्लेन करथले कोहलर चोम्स्की बांडुरा फ्रेउड तो करेक्ट आंसर होची आल्बर्ट बांडुरा एवं तांकर सहयोगी माने मिसिकी कौन करथले ना बेबी डॉल उपरे बहुत थर एक्सपेरिमेंट करी तांकर थ्योरी बाहर करथले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर व्हिच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ए थ्री डायमेंशनल ब्लू प्रिंट आमर थ्री डायमेंशन ब्लू प्रिंट कौटा गोटाए कौटा न थाए से पचार जो थ्री डायमेंशनल आम जो प्रश्नपत्र नक्सार तीनोटी मात्रा रोचे से कौटा न थाए से पचार तो कंटेंट देची डिफिकल्टी लेवल देची लर्निंग ऑब्जेक्टिव देची आ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस देची तो देखो आमर प्रश्नपत्र नक्सा आम प्रस्तुत कर तीनोटी जिनस रही थाए गोटे हूँ कंटेंट था कंटेंट उपर फोकस करा विषय वस्तु आउ गोटे आमर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आमर शिक्षण उद्देश्य से मेंशन हो आउ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आमर कौ टाइप रो क्वेश्चन माने लॉन्ग क्वेश्चन के डी मार्क के पांच मार्क के आमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के सब तार फॉर्म आमर क्वेश्चन रो केते प्रकार क्वेश्चन कौन कौन तार क्वेश्चन रो प्रकार भेद थाए आउ शिक्षण उद्देश्य से रखा जाए आउ कंटेंट उपर फोकस करा जाए किंतु डिफिकल्टी लेवल सेमती किसी आमर ब्लू प्रिंट रे न थाए ऑप्शन नंबर आमर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो एमानक मधेरु कोटा गोटाए अंतः अभिप्रेरणा से पचार आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा कोटा से पचार ऑप्शन रही कंपटीशन फ्रेज रिवार्ड्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन तो देखु इंट्रिंसिक मोटिवेशन आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा माने कौटा गोटे तार एग्जांपल से पचार देख कंपिटिशनटा बाह्य अभिप्रेरणा प्रेज गोटे बाह्य अभिप्रेरणा रिवार्ड्स गोटे बाह्य अभिप्रेरणा आउ आमर कौन ना पनिशमेंट गोटे बाह्य अभिप्रेरणा पनिशमेंट कंपिटिशन फ्रेज रिवार्ड्स एगुड़ाक सब बाह्य अभिप्रेरणा लेवल ऑफ एस्पिरेशन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एटा होची आकांक्षार स्तर एटा आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन अटे कहीं अंतरूर आमर इच्छा आग्रह थाए तो यहाँ आमर अंत अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। इंट्रेस्टिंग मोटिवेशन रो एग्जांपल होची लेवल ऑफ एस्पिरेशन।
नेक्स्ट रही चाइल्ड इज लाइक ए टेंडर प्लांट हुज व्यू इज दिस शिशु एक कोमल चारा गछ सदृश यह कहार मत ए मतटा किए दे स्टेटमेंटा किए दे फ्रोवेल रुसो मोंटेसरी ना पेस्टालोजी तो चाइल्ड इज लाइक ए टेंडर प्लांट दिस स्टेटमेंट वाज गिवेन बाय फ्रोवेल फेडरिक फ्रोवेल तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फ्रोवेल। नेक्स्ट रही व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड आमर मीन मीडियन मोड उपरे आमर क्वेश्चन आसुची पेपर टू सोशल स्टडीज पेपर टू रे आमर क्वेश्चन आसुची ता सहित आमर पेडागोजी रे मध्ये आसुची एटा सॉरी पेडागोजी पेपर टू रे आसुची ए क्वेश्चन जो माने पेपर टू पिला माने आछन्ते से मानकर पेडागोजी रे आसुची ए क्वेश्चन तो मोड रो फॉर्मूला कौन से पचारछि तो एडी करेक्ट आंसर कौन है आमर देखंतु करेक्ट आंसर हे जीव ऑप्शन नंबर ए थ्री मीडियन माइनस टू मीन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट देखंतु वेयर डिड पावलोव एक्सपेरिमेंट हिज कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी तांकर कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी आमर देछंती आइवान पावलोव देछंती तो से कोउ जगह रे एक्सपेरिमेंट करथिले आमर कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी को लेरिनगार्ड जॉन्सबर्ग कैपटाउन ना मेक्सिको तो करेक्ट आंसर होची लेलिनगार्ड रशिया रो लेलिनगार्ड थारे आइवान पावलोव एक्सपेरिमेंट करथिले कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी उपरे ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए लेलिनगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट एजुकेशन सिस्टम शुड बी मेड फॉर द हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन जो माने श्रवण दोषयुक्त शिक्षार्थी अछंती से मानन पई की प्रकार शिक्षा व्यवस्था करा जिबा उचित स्पेशल एजुकेशन नॉन फॉर्मल ना इंटेग्रेटेड ना इनक्लूसिव तो देखंतु आमरो जो हियरिंग इंपेयर्ड अछंती श्रवण दोषयुक्त शिक्षार्थी अछंती से मानन पई आमरो इनक्लूसिव एजुकेशन बा अंतर्निवेश शिक्षा व्यवस्था रही ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हाट सॉरी व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू मोटर लर्निंग सहित कौटा आमर संप्रुक्त नुहे केउटी पेशीय संचालन सह संप्रुक्त नुहे तो आमर देखंतु ड्राइंग देची इमिटेशन साइकिलिंग टाइपराइटिंग तो देखंतु मोटर स्किल माने आमर जो मांसपेशीर यूज होची कोउथरे हुए नै से पचारछि देखंतु चित्रांकन ड्राइंग करिवे तो आमर हाथ आंगुठी बा हाथर यूज होची तो एथरे आमर एटा होची आमर कोन ड्राइंग आमर आमर फाइन मोटर स्किल रे जाउची आ साइकिलिंगटा आम गोड़े आम कूदुंत तो से साइकिलटा हूँ आमर ग्रॉस मोटर स्किल रे जाउची आउ टाइप राइटिंगटा आम आंगुठी द्वारा टाइप करा जाउची एटा फाइन मोटर स्किल रे जाउची तो आमर ड्रॉइंग हैला फाइन मोटर स्किल टाइप राइटिंग हैला फाइन मोटर स्किल आउ साइकिलिंग हैला आपण मानकर ग्रॉस मोटर स्किल रनिंग जंपिंग एगुडाक ग्रॉस मोटर स्किल रे जाउची किंतु इमिटेशनटा कोनोसी मोटर स्किल नुहो तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर इमिटेशन इज नॉट रिलेटेड टू मोटर लर्निंग मोटर लर्निंग सहित जड़ित नुहे इमिटेशन बाकी आम ड्रॉइंग साइकिलिंग जंपिंग टाइप राइटिंग आमर रनिंग एगुड़ाक आम मोटर स्किल जाऊँच मोटर स्किल दुई प्रकार फाइन मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल जोटा छोट मांसपेशी द्वारा हुए सीटा हूँ फाइन मोटर स्किल जोटा बड़ बड़ मांसपेशी द्वारा काम कराए सीटा हूँ ग्रॉस मोटर स्किल तो ये आम करेक्ट आंसर हूँ इमिटेशन। नेक्स्ट रही आपई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड तो जो माने लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड अच्छा से मानकर कौटा गोटे लक्षण अटे से पचार मिसरीड द नंबर ऑफ नंबर्स छ को न पढ़े नौ को छ पढ़े तीन को आठ आठ को तीन रिवर्स लेटर माने उल्टा पढ़े बी को डी पढ़े पी को क्यू पढ़े आउ एड लेटर वन को ह्वाट लिखे ह्वाट को ह्वाट कहे आउ ऑल ऑफ द एबव देछि ऑप्शन तो देखंतु लर्निंग डिसेबिलिटी आमर खास करके आमर जो रही आमर डिसलेक्सिया अच्छी तो से आम कौन पढ़ला आड़ू आम जो मैंने डिसलेक्सिया ग्रसित अच्छा से मैंने छ को नौ कह नौ छ कह तीन को आठ कह आठ को तीन पढ़े आ रिवर्स भी से बी को डी पढ़े पी को क्यू पढ़े ये सब गुड़ाक जो क्यारेक्टर गुड़ाक लक्षण गुड़ाक आमर डिसेबल्ड लर्निंग पाखे डिसेबल्ड चाइल्ड पाखे थाए लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड पाखे थाए तो ये ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव
इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रेन विषय कौटा ठीक अटे से पचार व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रेन। चारिटा ऑप्शन रही आर अलवेज काम एंड क्वाइट अलवेज बिहेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली परफॉर्म एनी टास्क क्विकली। तो देखो गिफ्टेड चिल्ड्रेन विषय कौ स्टेटमेंटा करेक्ट से पचार। तो गिफ्टेड चिल्ड्रेन सब बड़े तार प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करुच्ची समस्या को अति शीघ्र से समाधान करुच्ची। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। नेक्स्ट रही आप गोटे कलम रही मैच ए मैच बी आम कस्टमर खस्तम से आमको आमर कलम ए रही एनिमल इंटेलिजेंस बी रही स्केड्यूल ऑफ रीएनफोर्समेंट सी रही लॉ ऑफ प्रेग्नेंस डी रही अडाप्टेशन। तो आमर कलम बी रही गेस्टाल्ट पियाजेट थर्नडाइक स्किनर। तो कौटा करेक्ट से पचार मानने करेक्ट जोड़ीटा से कौन हम से पचार चारिटा ऑप्शन रही। तो देखो ये आमर कौन हम ना आमर एनिमल इंटेलिजेंस किए प्रथम देर थर्नडाइक। तो आमर एकटा एटा हूँ कौन ना तीन एटा तीन तापर आम एटा तीन आम तीन। तो आम एटा हूँ कौन हम एनिमल इंटेलिजेंस किए आमर ईएल थर्नडाइक देखते आप रहा स्केड्यूल ऑफ रीएनफोर्समेंट बी हम आम कौन ना स्किनर बीटा हम चार। तो देखु आप कौन रही लव फ्रेग्नेंस एटा किए दे गेस्टाल्ट सी हूँ वन सीटा वन बीटा चार आउ एटा तीन ताप रहा कौन आमर आडाप्टेसन ये किए डीटा हम दुई एटा किए देखते पियाजेट। तो ऑप्शन नंबर थ्री हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री। आप कन्फ्यूज हो कही रखुच्छी आमर एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी किए थर्नडाइक द्वारा करमर रही स्केड्यूल ऑफ रीएनफोर्समेंट रीएनफोर्समेंट जहाँकि आम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी सहित जड़ित ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किए देते बीएफ स्किनर देते बीएफ स्किनर देते आउ लॉ ऑफ प्रेग्नेंस मीन्स आमर लॉ ऑफ प्रेग्नेंस मीन्स गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ प्रेग्नेंस किए दे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट देते आउ अडाप्टेशन टा आमर जीन पियाजेट देते। तो सब गुड़ाक ऑप्शन आमर ऑप्शन आमर तीन नंबर रे सब ऑप्शन ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर थ्री हूँ आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ रीएनफोर्समेंट। तो एम मधु कौ थ्योरी को आम रीएनफोर्समेंट था या पूर्व जस्ट मुझे आपँक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मुझे रखुच्छी रीएनफोर्समेंट अन्य ना हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को रीएनफोर्समेंट कहुए थ्योरी ऑफ रीएनफोर्समेंट कहुए आउ एटा किए देखते आमर बी एफ स्किनर एटा को देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिल्ड्रेन कुड लर्न टू बी एग्रेसिव सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एन अडल्ट्स बिहेवियर एग्रेसिवली एग्रेसिवली दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज हेल्ड बाय डेस। तो कौन कहे ना पिला माने सिखुचंती आमर जो वयस्क लोक मानकर आक्रमणात्मक आचरण को देखिक सिखुचंती आ से माने मते आक्रमणात्मक होउचंती। तो यही जो पॉइंटा यही स्टेटमेंटा किए देछंती से पचार केटेल अल्पोर्ट डॉलर एंड मिलर बांदुरा एंड हिज आसोसीएट एटा किए देछंती एटा देछंती अल्बर्ट बांदुरा एंड हिज एसोसिएट बा हिज कलिग्स अल्बर्ट बांदुरा जो सहयोगी मैंने थे से मिसिकी आमर जो बेबी डल गोटे क्वेश्चन कली बेबी डल से बहुत थर एक्सपेरिमेंट करते पिला माने बड़ लोक मान व्यवहार को देखी आग्रेसीव हो। तो यहाँ बेबी डल एक्सपेरिमेंट करी से जो थ्योरीटा देखते। तो ये आम अल्बर्ट बांदुरा एंड हिज अल्बर्ट बांदुरा एंड हिज एसोसिएट मैंने सांग सहयोगी मिसिकी यहाँ को देखते स्टेटमेंटा को देखते। तो ये आम डी हूँ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आज 20 क्वेश्चन। तो आपने आउट ऑफ 20 कितने स्कोर करते कमेंट बॉक्स में निहाती जनपरेंगे जदि भिडियो भल लगता है तो निहत गोटे लाइक एवं शेयर करने को जमार भूल। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।